हैप्पी की भी पैकिंग लगभग लगभग हो चुकी है। देखिए इसमें पूरे हैप्पी के कपड़े हैं, उसके बुक्स हैं, सब इसमें रखा है। नमस्ते फैमिली, स्वागत है आप लोग का मेरे नए ब्लॉग में। और देखिए माँ पापा गांव से आ गए हैं, माँ चाय पी रही हैं। यहाँ देवर जी भी दुकान से आ गए हैं, पापा भी आ गए हैं। तुम क्या खा रहा है बताओ, फैमिली को बताओ क्या खा रहा है। मिठाई। मिठाई कौन लाए? बाबा दादा। इसका नाम क्या है? रस कदम। गांव से ढेर सारी चीजें आई हैं। देखिए मटर आया, हरा मटर होता है ना, वो भी आया है। नहीं अच्छा लग रहा, खाओ। नहीं अच्छा लग रहा इसको, इसको मिठाई अच्छा लग रहा है, इसको दीजिए खाने के लिए। देखिए कद्दू आया है, झिंगी आया है, और देखिए गांव से पके हुए आम भी आए हैं। और ये आम इतना अच्छा महक रहा है ना। और यहाँ देखिए पापा पेड़ पौधे भी लेके आए हैं, ये सब लगाएंगे पापा छत पे जाके। हमारी गाड़ी देखिए वॉश होने जा रही है, अभी बरसात का दिन है ना, अभी गाड़ी आई है तो पूरी गंदी है गाड़ी पूरी तरह से, अभी वॉश होने जा रही है। सोनी को भी खिला रही है गांव का मिठाई। सोनी भी तो फैमिली मेंबर है ना। हाँ ये तो बात है। सोनी बोलिए अभी नहीं देखेंगे। नहीं दिखिएगा क्यों? सोनी का आँख थोड़ा सा लाल हो गया है, तो अभी आई फ्लू बहुत फैला हुआ है हमारी रांची में भी, तो इसीलिए वो दवा डाली है, पर कह रही है कि नहीं नहीं देखेंगे। वो हम लोग को भी नहीं देख रही है ठीक से, आँख झुका के अपना काम कर रही है, हल्का फुल्का है उनका। और हमारे यहाँ आज शाम के नाश्ते में है देखिए भुट्टा, अभी राजगीर जा रहा है खाने। इसमें क्या क्या मिला है बताओ ना बाबू, बता दो बताओ। इसमें सेंधा नमक है, इसमें गोलकी पाउडर है, और इसमें राजवीर का फेवरेट नींबू है, नींबू। चल पहुंचा। आप लोग बरसात में गर्मा गर्म भुट्टे खा रहे हैं कि नहीं बताइएगा, और ये तो जरूर ट्राई कीजिएगा अपना। जरूरी नहीं कि सेंधा नमक ही हो, इसमें नमक, नींबू, काली मिर्च और थोड़ा सा काला नमक डालिए, सबको मिला लीजिए, बहुत टेस्टी लगता है भुट्टे के साथ खाने में। साथ में हरी मिर्च भी ले लीजिए। और आज रात के खाने में हम बना रहे हैं ये चने दाल का तड़का, और बनेगी रोटियां, और जल्दी ही बना रहे हैं, माँ पापा आए हैं थके हुए हैं तो जल्दी खाना खा के सोएंगे। राजवीर, हाँ। राजवीर हिंदी में कविता सुनाएगा आप लोगों को, जल्दी आओ। ये अभी गा रहा था, मैंने कहा YouTube फैमिली को भी सुना रहा। आज मंगलवार है, तोते को बुखार है, तोता गया जंगल, जंगल में था डॉक्टर, डॉक्टर ने लगाई सुई, तोता बोला उई उई। और है चाचा चूरन वाला आया, खट्टे मीठे चूरन लाया, बोला मेरा चूरन आला, इसको खाते मोटू लाला, खूब मजे से डटकर खाए, ऊंचे अफसर हम बन जाए। एक और है सुना। मेढक मामा चले बाजार, हाथ में छाता मुंह में सिगार, नाक पे चश्मा ताने हैं, धोती कुर्ता पहने हैं, वाह वाह अब क्या कहने हैं। अगले ब्लॉग में सुना ना। अब जा पढ़ाई करो, होमवर्क करना है ना। नहीं। तो आप लोगों को कैसा लगा, राजवीर की कविता कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट में, है ना टू। तो चलिए जल्दी से तड़का बना लेते हैं फिलहाल। फैमिली आज दिन है गुरुवार, और सुबह के सारे काम निपट चुके हैं, नाश्ता कर चुके हैं हम लोग। माँ कौनी लाई गाँव से, माँ बोल रही दिखाते हैं कैसा है कौनी। हरा मटर तो हम लोग ने पहचान लिया, लेकिन इसमें जानते हैं कंफ्यूजन हो रहा था, मैंने अपनी दादी को भी देखा था, इसको ये करके बनाते हैं ना, इसका चावल ये भात बनता है। देखिए माँ दिखा रही है आप लोगों को, इसको ऐसे कौनी बोलते हैं। लाइट जला, देखिए ये कौनी है, देखिए कितना मेही है। फिर इसको कैसे क्या करना है, कैसे निकलेगा? इसको खाल में कूट देने से हाँ। चावल
इससे निकलेगा ना। और फिर इसका जो हम लोग भात बनाते हैं ना, मीठा लगता है, बहुत मीठा लगता है, गरम गरम खाने बहुत अच्छा लगता है। माँ इसको लेके आई है, तो पहले इसको ये खल मुसल में कूटा जाएगा, फिर इससे निकलेगा छोटा छोटा क्या, कौनी, चावल निकलेगा, कौनी से चावल निकलेगा। देखिए हम लोग शहर में रह के भी गांव का पूरा मजा लेते हैं। और देखिए कितना बड़ा छोलनी लाई है माँ, इसको रख लेंगे मतलब ज्यादा भीड़ भाड़ हुआ बनाने के लिए नहीं। और हैप्पी की पैकिंग भी लगभग लगभग पूरी हो गई है। हाँ माँ, हाँ माँ बोल रही है फोटो भी लाए, वो भी दिखा दो। देखिए 3D है, 3D है, शंकर जी पार्वती जी हैं, कार्तिक जी हैं, गणेश जी हैं, और उसमें देखिए अपना सात घोड़ा वाला है, सब 3D है। माँ पापा गांव अगर गाड़ी से जाते हैं तो ये लोग घूमने निकल जाते हैं और इतनी शॉपिंग करके फिर आते हैं। और मैं बता रही थी आपको हैप्पी की भी पैकिंग लगभग लगभग हो चुकी है, संडे को निकलना है उसको। और ये व्लॉग मैंने शुरू किया था, आप लोग समझ ही गए होंगे, कल बुधवार शाम से। देखिए इसमें पूरे हैप्पी के कपड़े हैं, उसके बुक्स हैं, सब इसमें रखा है, और बाकी का जो सामान है उसका दूसरा बैग में जाएगा। खाने के लिए तो माँ ने कहा कि पिरकिया बना दो, ठेकुआ, नमकीन ये सब बना दो, पर वो मना कर रहा है, खाता भी नहीं उतना मन से, तो बोल रहा है मामा बेकार हो जाएगा मत दो। लेकिन माँ का मन नहीं मान रहा है, वो बोल रही है कम से कम थोड़ा सा पिरकिया बना दो, पर वो मना कर रहा है, देखिए अभी क्या होता है। फाइनल होगा फिर वो भी बनेगा। और यहाँ देखिए उसका सारा, इसमें सर्फ दे दिया है, साबुन है, पेस्ट है, और ये साबुन रखने के लिए भी दे दिया है उसको, सारी चीज़ें दे दी हैं। और मैं बता दूं कि मैं भी जा रही हूँ, मैं और उसके पापा भी जाएंगे साथ में, संडे को निकलेंगे हम लोग। और अभी कुछ दिनों से ऐसा ही चल रहा है, जैसे कि मैं कुछ भी पैकिंग करती हूँ ना, उसे कोई भी सामान उसका रख देती हूँ जाके, फिर रूम में अपने आके लेट के थोड़ी देर रो लेती हूँ। पता नहीं रोने का मन करता है कि क्या है, समझ में नहीं आता है, बस थोड़ी देर रो लेती हूँ, बस लगता है कि हाँ अब उसका जाने का समय कितना नज़दीक आ गया है, देखते देखते। तो सबके सामने नहीं रोती हूँ, सब फिर बहुत गुस्सा होंगे, डांट सुनूंगी सबसे बहुत मैं, तो मैं अकेले में ही रोती हूँ, फिर अपने मन को समझा लेती हूँ। और आज है दिन शुक्रवार, और देखिए शुक्रवार की सुबह हमारे भगना आए हैं अंशु हम लोग से मिलने, सुबह की चाय पी रहे हैं हमारे साथ, मॉर्निंग वॉक पे निकले थे, मामी लोग से भी मिल लिया के नहीं, और मिठू से भी मिल रहे हैं। देखिए मिठू कौन है, अंशु भैया, अंशु भैया आप पे नहीं चिल्ला रहा है, चंदन पे तो इतना चिल्लाता था ना माँ। माँ देखिए नहा चुकी है हमारी माँ, गंदी कर रही है यहाँ। तुम क्या पी रही है बता दो, सुबह सुबह सत्तू पी रही, डेली सत्तू, उसके बाद एनर्जी आएगा, उसके बाद फटाफट नाश्ता बनेगा, ये एनर्जी ड्रिंक है मेरा। और फैमिली देखिए सुबह सुबह हमारे किचन का क्या हाल रहता है, पूरा अस्त व्यस्त रहता है ना पूरा। देखिए अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30, सबने नाश्ता कर लिया है, और हम लोग आज नाश्ता करेंगे देखिए स्पाइसी मैगी। आज हम लोगों ने, हम दोनों ने सुबह ही डिसाइड किया था कि आज मैगी खाएंगे, तो ऐसे हम लोग मैगी बनाते हैं तो इतना स्पाइसी नहीं बनाते हैं, लेकिन मुझे और पिंकी थोड़ा स्पाइसी पसंद है, तो इसीलिए हम दोनों स्पेशल इतना स्पाइसी मैगी बना रहे हैं, यही आज हमारा नाश्ता होगा। रोटी सब्जी की दुनिया से दूर। हमारे यहाँ रोटी सब्जी मस्त है नाश्ते में, पापा का एकदम सख्त हिदायत है, कुछ नहीं हेल्दी खाना खाओ। हाँ रोटी सब्जी तो नाश्ते, पापा जाके सो गए हैं तो हम लोग मैगी बना। तो पापा भी ऊपर गए हैं सोने, जैसे कि पापा हर दिन इस समय आराम करते हैं थोड़ी देर, और माँ उधर अपना है नाश्ता करके आगे हैं, राजीव स्कूल में है, और हैप्पी से पूछा था बोल, उसने बोला कि नहीं नहीं खाना है, उसने वही सुबह दूध लिया है और चना मूंग खाता है, वो अंकुरित चना मूंग होता है ना गुड़ के साथ लेता है, वो सीधे दोपहर में खाना खाता है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो अब बनाया जाए ये स्पाइसी मैगी, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, जरा कब बने और कब खाए, तो आज नाश्ता हम लोग का यही रहेगा। आज है शनिवार और दिन के 1:30 बजने वाले हैं, तो मैं बैठी हूँ अपने फुर्सत के पल में इस वीडियो को एडिट करने के लिए, फिर कल संडे को इसको अपलोड करूँगी। और अभी कुछ देर बाद हम लोग निकलेंगे, शालू जी के यहाँ जाएंगे,
शालू जी आई थी तो बोल के गई थी हैप्पी को कि बाबू जाने से पहले आना, तो वही मैं, उसके पापा, हैप्पी, राजवीर, हम लोग सब जाएंगे शालू जी के यहाँ। अपनी बुआ के साथ थोड़ा समय बिताएगा वो। मैं आपको बताती ही हूँ कि सारी बुआ प्यार करती हैं उसको, पर शालू जी से इसको ज़्यादा ही लगाव है। दोनों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लगाव है तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। और फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी आप लोगों से, तब तक प्लीज़ आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।